In this video, we are going to learn human female reproductive system and we also learn how it is consisted and what are the structure of female reproductive system and what are the functions of the organs present in the female reproductive system. So let's start how it is consisted. So human female reproductive system consists of a pair of ovaries, oviduct, uterus, vagina and the cervix. इनसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है. ये सिस्टम को बनाने वाले मेन ऑर्गन्स हैं. और अब इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगा और आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं और लेबल कर सकते हैं. लेट्स ड्रॉ. This is very simple diagram and now we are going to level. This is fallopian tube. This is ovary. This is oviduct. This is cervix and this is the vagina. So first level it. This is the fallopian tube. Or also called oviduct. And this is ovary. This is uterus. And this is the cervix. And this is this last is vagina. This is the five main organ and here is a layer. This is endometrium. This is myometrium. And this is the perimetrium. So this is the very simple diagram of female reproductive system. Here figure human female reproductive system. Humans female reproductive system यहां पर हम लेबल कर दिए और इसको इन सभी को याद रखना है, क्योंकि यहां पर कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चंस इस तरह से लेवलिंग नहीं करके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका नाम दे देगा, ए इसका, बी इसका, सी इसका, डी और इसका, ई और उसके बाद नीचे ऑप्शन रहता है और वो ऑप्शंस को इसके साथ फिल करना होता है. तो आपके जो सीबीएसई एग्जामिनेशन में आजकल जो पूछा जा रहा है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. बट अगर आपको ड्रॉ करना हो तो मैंने अभी ड्रॉ किया था, उस तरह से आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज द ह्यूमंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिटेल. लेट्स डिस्कस द ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट इज ओवरी.
सो ओवरीज दे आर एलमोंड शेप्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और ये क्या है, एलमोंड शेप्ड, एलमोंड जो बादाम होता है उसके जैसा इसका शेप होता है. और ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज है. तो यहां पर दे आर एलमोंड शेप्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओवरीज कॉन्टेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स और फॉलिकल्स. और जन्म के बाद से, जन्म से ही फीमेल्स में हजारों की संख्या में फॉलिकल्स होते हैं. और ये फॉलिकल्स जो है वो प्यूबर्टी एज के बाद जो है वो मैच्योर होते हैं. और मैच्योर होने के बाद उसको हम एग कहते हैं. और ये एग्स एवरी मंथ जो है वो रिलीज होता है. तो यहां पर ये है कि जो ओवरीज जो है उसमें हजारों की संख्या में इमैच्योर एग होते हैं जिसको हम लोग फॉलिकल्स कहते हैं. आफ्टर प्यूबर्टी सम ऑफ द फॉलिकल्स स्टार्ट मैच्योरिंग. और फॉलिकल्स जो है उसमें से कुछ मैच्योर हो जाते हैं एंड बिकम फंक्शनल एग. और ये फॉलिकल्स जो होते हैं वो एग्स बनाते हैं. और ये एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो सकता है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो डीजेनरेट हो जाता है. अब है सेकेंड पॉइंट, ओवरीज ऑल्सो सिक्रेट टू टाइप्स ऑफ फीमेल हॉर्मोन्स. अब ओवरीज जो है ये दो तरह का फीमेल हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये टू टाइप का फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है. और इसके स्पेसिफिक फंक्शन है, और इसके फंक्शन को भी हम लोग देखते हैं. तो इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं. एस्ट्रोजन इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, ओ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सिंपली ओ को रिमूव भी कर सकते हैं. एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. और फीमेल्स में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन. सेकेंड, प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन लीनिंग. यूटेरस जो होते हैं उसमें लीनिंग्स होते हैं, जैसे मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये लीनिंग्स जो है वो बने होते हैं प्रोजेस्टेरोन से. और ये इसलिए होता है क्योंकि जब एग्स को इम्प्लांटेशन करना होता है तो इसी में एम्बेडेड होगा, और फिर जितने भी न्यूट्रिशन जो सप्लाई करेगा उस एग को वो ये लीनिंग से प्रोवाइड करता है. तो यहां पर ये है, प्रोजेस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन लेयर टू रिसीव एंड नरिशेस द एम्ब्रियो इफ द फॉर्म्ड. और अगर इस एग से एम्ब्रियो बनता है तो वो उसको नरिश भी करता है, और अगर नहीं बनता है तो वो डिजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और डिजेनरेशन के बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में वो बाहर आ जाता है. सेकेंड, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट. इट रिसीव द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस. ये क्या करता है कि इस तरह से जो फीमेल्स होते हैं वो ओपन ट्यूब होते हैं, और वो ओपन ट्यूब क्या करते हैं, जब एग्स बनते हैं तो उसको सकअप करता है, और सकअप करके वो फैलोपियन ट्यूब में लाता है. और फैलोपियन ट्यूब में लाने के बाद जो है वो डायरेक्ट वो देता है यूटेरस को, अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब. तो ये हो गया, इट रिसीव द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस. सेकेंड, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हम सभी जानते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस हियर. और यहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होता है. इट मींस स्पर्म और एग्स का जो फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के बाद जो गैमेट बनेगा वो गैमेट इसी में बनता है, फैलोपियन ट्यूब में. थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूटेरस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वूम. And it is a bag-like structure where development of fetus take place. आप देख सकते हैं, this is uterus, और ये bag के जैसा structure होता है, और fetus का development जो है यहीं पर होता है. Okay, तो here it is a bag-like structure where the development of fetus take place. Second, uterus open into vagina through the cervix. और ये जो uterus है ये open होता है vagina में through the cervix. यहां पर ये cervix है, और यहां पर जो है ये वजाइना है, और इस रीजन में जो है ये पूरा जो रीजन है ये होता है यूटेरस. तो इस तरह से ये ओपन होता है. द एम्ब्रियो मूव्स डाउन टू रीच द यूटेरस वेयर द इम्प्लांटेशन टेक प्लेस. और यहां पर जो एम्ब्रियो है जो जायगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है,
और वो एम्ब्रियो नीचे आता है और नीचे आने के बाद जो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि जो है आपका यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्स होते हैं ये एग्स रिलीज होता है आफ्टर 14 to 16 days. 14 टू 16 डे के बाद मेंस्ट्रुएशन के 14 टू 16 डेज के बाद ये एग्स यहां पर पहुंचता है. ठीक है, दिस इज द एग. और वेजाइना के पास ऑलरेडी स्पर्म्स का डिपोजिशन होता है, तो यहां पर जो है वो स्पर्म्स रहते हैं और ये स्पर्म्स जो है ये पहुंचते हैं इसके ओविडक्ट में. ठीक है, ये यहां पर स्पर्म्स जो है वो पहुंचता है और यहां पर जो एग है, जो कि एग का साइज जो होता है वो लार्जर होता है, डायग्राम में स्मॉलर मैंने दिखाया बट एग का साइज लार्जर होता है और द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, वेयर एज स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी. तो यहां पर जो स्मॉल और यहां पर जो है जो एग है ये पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो है यहां पर फ्यूजन होता है. तो एक गैमेट एग है और उसके बाद जो है फ्यूजन हुआ, तो दूसरा गैमेट जो कि स्पर्म है, ये दोनों के फ्यूजन से यहां पर जो है वो बन गया जाइगोट, यहां पर बन गया जाइगोट. आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन there is a mitosis division in which several cells are formed. यहाँ पर जो zygote है उस zygote में mitosis division देखने को मिलता है और इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर जो cells जो होते हैं वो बनते हैं, जो सबसे पहले 8 cell के stage तक रहता है उसको हम लोग morula stage कहते हैं. इस तरह से बहुत सारे cells जो इसमें several cells जो बनते हैं उसको मोरुला. और आफ्टर इट पेरिफर्स ये साइड में इस तरह से बनता है, जो कि मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बनते हैं उसको ब्लास्टुला. ब्लास्टुला ग्रोस अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज सीलिया एंड सीलिया कम कॉन्टेक्ट विथ दिस लिनिंग. और यहां पर जो सीलिया है ये इस लिनिंग के साथ वो कॉन्टेक्ट करता है और उसके बाद ये जो लिनिंग है वो उसको एम्बेडेड होने देता है, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन. और यहां पर ये इस रीजन में इस तरह से ये एम्बेडेड होता है और एम्बेडेड होने के बाद ये फर्दर डेवलपमेंट और जो सेल डिविजन्स एंड सेल डिफरेंशिएशंस जो है इसका फॉर्मेशन होता है और ये यहीं पर आपका फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बाद फीटस बनता है और फिर फीटस के बाद जो है वो बेबी का फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज द यूटेरस. ये सारे इवेंट्स जो है यहाँ पर होता है. यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स है जैसे इम्प्लांटेशन, ब्लास्टुला, मोरुला और भी बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स है, इस सभी का डिफिनेशंस और मीनिंग जो है मैं एक साथ इसको डिफाइन कर दूंगा. सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज ब्लास्टोमियर. हियर फर्टिलाइज एग स्टार्ट क्लीवेज. क्लीवेज क्या है? माइटोटिक डिविजन होता है टू फॉर्म 6, 4, 8 and 16 डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर. तो ब्लास्टोमियर्स वो सभी फर्टिलाइज एग्स के सेल्स हैं जो कि क्लीवेज के बाद 2, 4, 8 and 16 डॉटर सेल्स को बनाते हैं, उसको कहते हैं ब्लास्टोमियर. सेकेंड मोरुला. फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला. जब यहां पर जो ब्लास्टुला 8 से 16 सेल्स तक रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मोरुला. थर्ड ब्लास्टोसाइट्स. मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ लार्ज मास ऑफ सेल्स. जो मोरुला है वो लगातार वो डिवाइड करते रहते हैं जिससे वो लार्ज मास ऑफ सेल्स बनाते हैं. ठीक है, और ये सेल्स 100 ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं,
उसको कहते हैं ब्लास्टोसाइट्स। उसके बाद जो है फोर्थ, दिस इज द एम्ब्रियो। इट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जाइगोट एंड द न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग इनसाइड यूटेरस। तो ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो फर्टिलाइज एग होता है वो डेवलपमेंट होता है और इसके बाद न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग बनाता है और ये ऑफस्प्रिंग अभी यूटेरस के अंदर ही होता है। फिफ्थ, इम्प्लांटेशन। द इम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक इनर लिनिंग ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन पे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। सिक्स, जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड क्या है? द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड द यूटेरस टिल द बर्थ। और जन्म से पहले तक का फीटस के जितना भी डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट में लगने वाले समय को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब लास्ट है आपका, सेकेंड लास्ट, पास्टुरेशन। द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द फुली डेवलप्ड फीटस एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड इज टर्म्ड एज पास्टुरेशन। देखिए पास्टुरेशन क्या है, ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें फुली डेवलप्ड जो एम्ब्रियो है वो जब मदर्स के उम्ब से बाहर आता है तो इसको कहते हैं पास्टुरेशन। एंड द लास्ट, प्लासेंटा। द कॉन्टेक्ट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो एंड यूटेरस लीनिंग टू फॉर्म अ स्पेशल स्पॉन्जी डिस्क शेप्ड टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। तो ये क्या है, तो ये एक कॉन्टेक्ट रीजन होता है एम्ब्रियो का और जो यूटेरस का लीनिंग है वहां पर, और एक डिस्क शेप्ड बनाता है। और ये डिस्क के जो प्लासेंटा है ये जो भी न्यूट्रिशन बेबी को रिक्वायर चाहिए या एम्ब्रियो फिटस को रिक्वायरमेंट चाहिए वो मदर्स के ब्लड से वो प्लासेंटा में पहले जाता है और प्लासेंटा जो है वो बेबी को प्रोवाइड करता है। और उसके रिटर्न में जो बेबी जो भी यूटिलाइज करता है जो न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिलाइज करने के बाद जो वेस्ट वो प्रोड्यूस करता है वो वेस्ट फिर से प्लासेंटा में आता है। तो यहां पर है द फिटस ऑल्सो पासिस इट्स वेस्ट, और उसी प्लासेंटा से अपने वेस्ट को भी पास करता है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स है जो कि याद रखना चाहिए या नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।